तो गाइस बाइक अब रेडी हो गई है। कैंपिंग का सारा सामान मैंने इस पे बांध दिया है। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ा सा आगे। अभी हम पहुंच गए हैं मनरेगा पार्क। आज यहाँ पे होगी कैंपिंग। कैंपिंग क्या बोला, मैं पागल आ गया। चलो तो 6-7 घंटे फिर 6-7 घंटे यही सही है। यही डायलॉग करते कि भाई वैसे पूरी है ना फोर साइड छुटते आज हम मनरेगा पार्क पे नाइट स्टे कर रहे हैं। ये हमारे अन अकेडमी के वीडियो एडिटर और मेन ब्लॉगर आगे जा चुके हैं और मैं इनका कैमरामैन। देखिए शाम का नज़ारा, लगभग 4-5 बज चुके होंगे। काफ़ी अच्छा दृश्य है इधर का। यू कैन विजिट मनरेगा पार्क बढ़ारी विद योर होल फैमिली एंड एंजॉय नाइट कैंपिंग। किनारो तुम मिला चीज दे लाइव नहीं आई ये तब फिल्म लेज मैंने अगले हफ्ते बाड़े था नाचना मैं भी नाचती थी नाचना थोड़ी आई सो मेरा नाचने वाले है सब कर आए। हेलो हेलो हाय सुजु की साना प्राण गली प्राण आते हैं। गाइस आज हम आपको सिखाएंगे कि कैंपिंग टेंट जो है कैसे लगाते हैं। सबसे पहले कर दिया इसको ओपन।
सेम बॉय है ये। इसके अंदर ये खोल अंदर हां ठीक है। और आओ नहीं वो काले दिखा सब खोल पकड़ दो डाल दूर बागा पानी से रात नीला तो नीला हवा तो होनी नहीं बिचड़ा एक लाई कुंडे ठंडा हाँ रांची ये तो बोलता बात वीडियो एडिट करने का इटे डमरान दे तो रहा सुतने तक सीन जाने जाने ओके हुई चार भी का मिसिस सब पे किन लगा अरे ये अच्छा सामान खाने पीने दाल आलू
तो गाइस अब हमारा पहला जो एक काम होगा वो होगा लकड़ी का। अभी हम जंगल में जा रहे हैं, लकड़ी का इंतजाम करके आते हैं। तीनों भाई जा रहे हैं मिलकर, तो ले आते हैं लकड़ी ढूंढ के, तो रात के लिए ठीक भी रहेगा। आग जलानी होगी, खाना बनाने के लिए भी हमें आग ही जलानी है। गैस और चूल्हा तो हमने लाया नहीं है, आग से ही सारा काम होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आगे। हम जरा लकड़ी इकट्ठा कर लें अभी जंगल में। अभी लकड़ी के लिए हमने लाया भी कुछ भी नहीं है, ना तो कुल्हाड़ी लाई है ना तो कुछ और लाया, या नीचे है लकड़ियाँ ला, नीचे है बहुत सारी लकड़ियाँ। चलो ओ इधर बहुत है लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ। तो गाइस लकड़ी का इंतजाम हमारा हो गया है, तो अब चलते हैं जहां पे हमारा जो है टेंट लगा हुआ है। थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठा कर ली है हमारे भाईजन ने। यहाँ नीचे हम आग जलाएंगे, काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठा हो चुकी है। अब थोड़ा सर्दियों वाली रात है आजकल, इसलिए लगती है इतनी लकड़ियाँ। अभी हमारा जो काकड़ी खीरा पे हमने घर से लाया है नमक, बढ़िया धनिया लहसुन और जो है हरी मिर्च का नमक। ये हमारे मन्नू जी जो है खीरा को अच्छी तरह से नमक लगा रहे हैं। ये हमारे पंकु जी, हाय गाइस। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी हमारा डिनर का प्रोग्राम है तो खाना भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हमारी जो है आग जल रही है, अभी अंधेरा भी हो गया है। हमारे मन्नू जी यहाँ पे जो है कुकर पे बाहर जो है मिट्टी लगा रहे हैं, इससे इसको धोने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस पंकु जी ने हमारे जो है आग जला दी है। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब हम इस पे क्या बनाएंगे, मैगी बनाएंगे फिलहाल, तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस अब हम जो है एग जो है उबलने के लिए डाल रहे हैं, बॉइल्ड एग। ये करो फाड़े, फट गया होगा रब्बे, लाते लाते ये डाल देना मैगी में फिर। हाँ तो गाइस अब हम डाल रहे हैं एग, बॉइल्ड एग,
अंडे को पहले उबाला जाएगा, फिर जरा बढ़िया नमक मिर्च के साथ अच्छे तरीके से तड़का भी लगाना है, साथ में एमए ही खाएंगे। सब डाल दे, सब सब टोटली एक ही दियो रखने, एक दो क्या करना इनका रखे नहीं, मैगी में चाहिए पहले भुजी बनी हुई, फिर तो चलिए दोस्तों अब अंडे को उबलने, अंडे को उबलने देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे डाल दे इसमें थोड़ा बाद में। गाइस अभी जो है रात के 7 बज रहे हैं, अभी हमारा जो यहाँ पर हम खाना बना रहे हैं तो दिखाते हैं अब आपको आगे ब्लॉग में। रात का व्यू तो देखिए मनरेगा पार्क का, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हमारा मीट पक रहा है, देखिए अभी हमारे गोलू भाई भी आ गए हैं और साथ में गगन भाई भी, गगन भाई अब स्नैक्स खा रहे हैं, सलाद, कुछ खीरे, कुछ ऑरेंज और कुछ एग। अभी हमारा मीट जो है बन रहा है, मीट अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अपनी छलिया बुझ रही है, हाँ हाँ, ये हमारी मक्की अब तैयार हो रही है, ये देखो ये देखिए टाइम लग रहा है इसलिए साथ में खा भी रहे हैं और साथ में पक भी रही है, ये वाली तैयार होगी, नहीं थोड़ी नहीं हुई है, थोड़ी नहीं हुई, थोड़ी बढ़िया, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसी तैयार हो जाती है, देखिए तुम्हें बाग गाने निकली पहले यार, हेलो सर पोर भेड़िया। तो गाइज अब हमारी कैंपिंग ख़त्म हो गई है, बस अब हम सो रहे हैं, सभी लोग सो गए हैं, अब मैं भी सो रहा हूँ, तो गाइज अब मिलते हैं आपको सुबह।
तो गाइस अभी हमारी पैकिंग जो है क्लोज हो गई है, कैंप अपना क्लोज कर दिया, टेंट टूट पैक कर दिया। देखिए सुबह का नज़ारा, रात को जो है ठंड बहुत हुई यहाँ पे। वैसे तो हम चार लोग थे पर चार लोगों को ज़्यादा उतनी ठंड नहीं हुई। तो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं अब यहीं पे एंड। अब चलते हैं अपने घर, घर पे आजकल बहुत काम भी लगा हुआ है, नहीं तो घर वाले हमको निकाल देंगे घर से, एक ही बोला अपना डंडी डेरा चक के उधर ही रह लो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड शेयर भी करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले ब्लॉग में। अब हमारा कल की और आज की कैंपिंग समाप्त हो चुकी है, अब हम घर की तरफ, घर थोड़ा ही दूरी पर है हमारा, 5-10 किलोमीटर की दूरी पर, भराड़ी से रवाना होते हुए मनरेगा पार्क भराड़ी। अब राइडर हमारे नए नए हैं तो सीख रहे हैं गाड़ी भी और बाइक भी। यू आर ऑल्सो इन व्लॉग। Yeah.